सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए आज की नए क्लासेस में। ये हमारा एपिसोड 10 है। अगर आप चेक करोगे ना, तो मैंने इससे पहले ऑलरेडी 9 एपिसोड दे रखा है। इसके वजह से अगर आप चेक करोगे तो टोटल आज की क्लासेस को ऐड करोगे ना, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे डियर। तो मैं समझता हूँ इस 100 क्वेश्चंस में आप अपने लेवल को भी पहचान गए होगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जान गए होगे। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आप हमारे सेशन को कंटिन्यू करो, आप हमारे ऑफिसर्स पॉइंट्स को सब्सक्राइब करो, व्यू करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने मित्रों में इसे इतनी तेज़ी से फैला दो, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसी तरह से आप इसको फैलाने का काम करोगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। और मैं एक गुड न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि झारखंड की जो नियोजन नीति है वो बन के तैयार है। तो क्या ऐसे में झारखंड के युवा हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको झारखंड में नौकरी करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो फटाफट तैयार हो जाइए साइंस, फटाफट तैयार हो जाइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए, बीपीएससी मेंस या जेपीएससी मेंस की इकोनॉमिक्स क्लासेस के लिए। आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल एट द रेट ऑफ gmail.com पर मेल करो, या फिर आप मेरे को कॉल करो 7004044326 पर। यू कैन मेल मी, आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, दिए गए एड्रेस पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो फॉर योर कमिंग क्लासेस। राइट, अजीत मेहता सर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा आईएएस एकेडमी और आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर जेएसएससी की क्लासेस अगर आप करना चाहते हो ना, तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे साथ फॉलो करो। तो झारखंड स्पेशल ऑनलाइन बैचेस की शुरुआत हो रही है, 15 फरवरी 2023 से इस बैच की शुरुआत हो रही है डियर। ये मैनेजमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा फॉर योर झारखंड स्पेशल। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्सेज 7004044326 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता चलूँ कि झारखंड की जो जेपीएससी या फिर जेएसएससी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने को तैयार है, क्योंकि नियोजन नीति पूरी तरह से तैयार है। ओके, इस नियोजन नीति के तैयार होने का मतलब है वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ये फरवरी के लास्ट तक आपको वैकेंसी मिल जाएगी, और आपको समय नहीं मिलेगा, हो सकता है ये अप्रैल या मई में आपको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा ले। कौन करा ले भाई? जेएसएससी करा ले। सो बी रेडी फॉर जेएसएससी। इसलिए मैं लेट ना करते हुए 15 फरवरी से झारखंड स्पेशल की बैच आपको मैं चालू कर रहा हूँ। आप एनरोलमेंट करने के लिए संपर्क कर सकते हो। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लिस्ट जनरेटिव पावर इज फीचर्स ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में सबसे कम जनन शक्ति किसकी है? मतलब अगर ये कोशिका एक बार डेड हो गया ना, तो ये जनरेट नहीं हो पाता है, रीजनरेशन नहीं हो पाता है। बाकी जगहों पे अगर कोशिकाएं हैं, जैसे हाथ कट गए या फिर मतलब आपको हाथ के स्क्रीन कट गए, हैंड्स के स्किन्स कट गए, तो वो जनरेट कर जाते हैं। बट ब्रेन की अगर डैमेज हो जाए ना, तो ये प्रॉब्लम होती है डियर। इसलिए मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में से सबसे कम जनन शक्ति किसकी है? तो आप बताओगे ब्रेन की है। तो ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी कम है। द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज कंसिडर्ड टू हैव द लीस्ट जनरेटिव पावर। तो इसको कहा सकता है कि लीस्ट जनरेटिव पावर है, मतलब ये कैन नॉट बी जनरेट फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोफीलिया? हीमोफीलिया के संबंध में कौन सा सही है? ये जिसको हीमोफीलिया हो जाता है ना, उसके ब्लड्स जमते नहीं हैं। बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है। द डिजीज इज कैरीड बाई फीमेल एंड एक्सप्रेस बाई मेल। इस कैरी को फीमेल में होता है हीमोफीलिया, बट एक्सप्रेस किसके द्वारा होता है? मेल के द्वारा होता है। द डिजीज इज कैरीड बाय मेल्स एंड एक्सप्रेस बाय फीमेल। ये मेल में होता है, मेल कैरी करता है, बट फीमेल में एक्सप्रेस होता है। द डिजीज इज कैरी बाय द मेल एंड फीमेल एंड एक्सप्रेस बाय मेल। ऐसा है क्या? तो आपको आंसर करना है इसमें से कौन से आंसर होंगे। तो आंसर होंगे द डिजीज इज कैरीड बाय फीमेल एंड एक्सप्रेस बाय मेल। मीन्स यह हीमोफीलिया का कैरियर कौन होता है?
फीमेल होता है, लेकिन इस यह बीमारी देखने को कहाँ मिलती है, तो मेल में मिल पाता है। आपको पता होगा कि फीमेल में अगर बात करोगे तो एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, मेल में एक्स वाई होता है। ये जो हीमोफीलिया होता है इस पे होता है, एक्स क्रोमोजोम पे होता है, इसलिए कहा सकता है फीमेल इसका क्या है, कैरियर है। बट मोस्टली हीमोफीलिया जो है मेल के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए एक्सप्रेस बाय मेल एंड कैरियर बाय द फीमेल्स, राइट। सो हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग्स डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन लैक्स और हैज लो लेवल ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। क्लॉटिंग फैक्टर इज ए प्रोटीन इन ब्लड दैट कंट्रोल्स ब्लीडिंग्स। इफ यू हैव हीमोफीलिया यू मे ब्लीड फॉर ए लॉन्गर टाइम आफ्टर एन इंजुरीज। अगर आप हीमोफीलिया है तो आपको कोई इंजुरीज हो गई है तो ब्लीडिंग जो है वो लंबे समय के देखने को मिलेगा। ओके, वुड यू इफ योर ब्लड क्लॉटेड नॉर्मली। अगर आपका ब्लड क्लॉट नॉर्मली हो रहा है सो हीमोफीलिया इज क्वाइट रेयर। बट आपका हीमोफीलिया क्या होता है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर बात करोगे तो अबाउट 1 in 10,000, अगर 10,000 लोगों में अगर आप बात करोगे तो हीमोफीलिया किसी एक लोगों में मिलेगा। क्यों? इट ये जो बॉन्ड के समय ही आ जाता है, इसलिए इसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ओके, तो हीमोफीलिया मोस्टली कैरियर कौन होती है, फीमेल होती है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पहला एलिमेंट है जो कृत्रिम रूप से निर्मित है। नेपट्यूनियम्स, अनम्बियम्स, टेक्निटियम्स एंड नॉन ऑफ दिस। आंसर हो गए टेक्निटियम्स। तो टेक्निटियम्स क्या है, ये मानव निर्मित या पहला आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एलिमेंट्स है। टेक्टेनियम वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट्स। इट वॉज आइसोलेटेड बाय किसके द्वारा, तो कार्लो पेरी एंड इमाइलो सीगरी के द्वारा 1937 में इसे स्टैब्लिश किया गया था या आइसोलेट किया गया था, मीन्स बनाया गया था। टेक्निटियम वॉज क्रिएटेड बाय बॉम्बार्डिंग्स मोलीबेडियम एटम विद द ड्यूटेरेंस और मोलीबेडियम एटम के बॉम्बार्डिंग से यह क्या बना था, आपका टेक्निटियम का निर्माण हुआ था। ये पहला आर्टिफिशियल प्रोड्यूस एलिमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड डिफेंसिन 1 विच हैव बीन फाउंड पोटेंशियल टू डेवलप ड्रग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन डिफेंसिन 1 नामक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए पाया गया है, जिनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए दवाओं को विकसित करने की क्षमता पाई गई है। दैट इज कॉडफिश, कटलफिश, हनी फिश एंड डोमेस्टिक फ्लाई। आंसर होगा डियर हनी बी। तो हनी बी जो होता है ना, उसमें बेसिकली देखा जाता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड डिफेंसिन 1 विच हैज बीन फाउंड पोटेंशियल टू डेवलप ड्रग्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, डेट इज हनी बी। तो डिफेंसिन 1 जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो पाया जाता है किसमें, हनी बी के अंदर। ओके, यह ड्रग्स जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को डेवलप करने का काम करता है, या जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं उसमें यह पाया जाता है। ओके, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन डिफेंसिन 1 नामक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए पाया गया है, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया के लिए दवाओं को विकसित करने की क्षमता। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का जो डीएनए गायरस होता है, अगर आप इसको बार बार ड्रग्स देते हो ना तो इसके ऊपर एक कोटिंग तैयार कर लेता है। ये कोटिंग को हम लोग कहते हैं लैक्टेमेज। क्या कहा जाता है, लैक्टेमेज कहा जाता है। इस लैक्टेमेज जो होता है एक प्रोटीन का कवरिंग होता है जो कि बैक्टीरिया को कवर कर लेता है, और बैक्टीरिया क्या होता है, वो ड्रग्स के प्रति मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस में आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप जब दोबारा उस ड्रग्स को दोगे ना तो बैक्टीरिया काम नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको दवाइयाँ बनानी है तो आपको भी इस बैक्टीरिया के साथ लैक्टेमेज को तोड़ने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो हम लोग देते हैं डियर टेजोबैक्टम को दिया जाता है। ओके, टेजोबैक्टम के द्वारा इसको प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो ये किससे बनता है, तो हनी बी से बनता है। तो डिफेंसिन 1 एक प्रोटीन है जो कि वैसे बैक्टीरिया की दवाइयों को बनाने में काम आता है जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, और वो पाया कहाँ जाता है, तो हनी बी के अंदर। डिफेंसिन 1 इज द नेम ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली क्या है, डिफेंसिन 1
एक प्रोटीन है विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इपिथेलियल सरफास टू माइक्रोबियल कॉलोनियल्स. ओके, दिस प्रोटीन हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप ए ड्रग्स. इस प्रोटीन्स में एक पोटेंशियल है, क्षमता है ड्रग्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हैं उसके लिए ड्रग्स बनाने के लिए यह क्या है, पोटेंट होता है. सो हनी बी मेक दिस प्रोटीन एंड एड्स टू हनी एंड साइंटिस्ट एट द एकेडमिक मेडिकल सेंटर. राइट, सो डिफेंसिन वन एक प्रोटीन है जो कि हनी में पाया जाता है. ओके, और यह क्या करता है, तो वैसे बैक्टीरिया के लिए ड्रग्स बनाता है जो ड्रग्स से रेजिस्टेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है डियर. यहाँ पे मैं रुकूंगा 2 मिनट, मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे को मेल करो officer.official@gmail.com. आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, सेम नेम से आपका टेलीग्राम भी है, और 7004043326 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन डीएनए. आपको बताना है कि डीएनए में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन. द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. ओनली 1, 2, 3 एंड 5, ओनली 1, 2, 4 एंड 5, ओनली 1, 2 एंड 5. तो आंसर क्या होगा डियर, आप देखोगे सल्फर नहीं पाया जाता है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन पाए जाते हैं. किसमें, डीएनए के अंदर. डीएनए को बोलते हैं डियर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. देखो स्पष्ट है का सल्फर एंड प्रोटीन डू. इसके अंदर प्रोटीन भी नहीं होता है. सो डीएनए कंसिस्ट ऑफ ट्री सुगर डी ऑक्सी राइबोज. ये ट्राई सुगर डी ऑक्सी राइबोज होता है विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो आंसर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ओके, नाइट्रोजन भी होगा, और ये नहीं होगा डियर. ओके, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि पूरी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या, उसका नाम माइकोप्लाज्मा है. इसको चॉइस वन मान लोगे डियर, इसको चॉइस दो और इसको चॉइस तीन. या फिर ऑर्गेनेल विद द सर्कुलर डीएनए क्या, उसको लाइसोसोम कहते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एल्यूरियो प्रोटीन कहा जाता है. आंसर करने विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, 1 एंड 3, 1, 1, 2 एंड 3 है. आपको बताने हैं डियर. तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 ओनली ये करेक्ट है. मीन्स ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों करेक्ट है. तो ऑर्गेनेल विद द सर्कुलर डीएनए इसको लाइसोसोम कहते हैं, ये गलत है क्योंकि लाइसोसोम में डीएनए होता ही नहीं डियर. आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनेल में मात्र एक ही है जिसके पास डीएनए होता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी इसके पास खुद का डीएनए किसी के पास नहीं होता डियर, वो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है. ये तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया. बट स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और ल्यूकोप्लास्ट विद स्टोर प्रोटीन डेट इसका नाम क्या है, एरुलोप्लास्ट कहा जाता है. तो इसलिए आंसर 1 एंड 3 होगा. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आने की संभावना बढ़ रही है. सो यूकैरियोटिक सेल हैव लीनियर डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सर्कुलर डीएनए. ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका डीएनए कैसा था, सर्कुलर था, और यूकैरियोटिक सेल के पास कैसा होता है, तो लीनियर डीएनए होता है. ओके, डीएनए लाइक क्लोरोप्लास्ट, तो आप देखोगे एंड माइटोकॉन्ड्रिया. यूलोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीनोप्लास्ट आर स्पेशलाइज ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. सो स्मॉलेस्ट सेल इज नोन एज द स्पर्म सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो जो सबसे छोटी सेल होती है वो स्पर्म सेल होती है या फिर माइकोप्लाज्मा होता है. वैसी बात करोगे तो आंसर 1 एंड 3 ही होगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई. आपको बताना है कि भौतिक शास्त्र का ऐसा शाखा जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई को डील करता है उसको क्या कहते हैं, इसका करते हैं डियर न्यूक्लियर फिजिक्स. इसको गेस करके भी आप बना सकते थे. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबों को ये सेशन बेहतरीन लग रहा होगा. फटाफट लाइक, व्यू एंड शेयर करें ताकि आप अपने साइंस के नंबर को बढ़ा पाएं डियर. ये हमारी साइंस की आज आपकी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रही है डियर. अब मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा. वो सीरीज आपका किसका होगा, तो इकोनॉमिक्स का होगा. इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज आपका चलता रहेगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई. आंसर होगा न्यूक्लियर फिजिक्स. सो न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स
दैट विल्स द कंस्टिट्यूएंट्स स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। आप कभी मत घबराना कि मैं इंग्लिश और हिंदी से, थोड़ा साइंस में ना थोड़ा सा आप सबर करो और थोड़ा सा कोशिश करो आगे बढ़ने की, राइट। व्हाट आर द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी हुज एम्पलीट्यूड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। अगर आप बात करोगे ना कि ऑसिलेशन का, तो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 2πL/g होता है डियर। तो लैटिट्यूड का बढ़ने का मतलब क्या है? लेंथ का बढ़ना। तो क्या यह L के बढ़ने से उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कहता है व्हाट आर द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। जिसकी जो एम्पलीट्यूड है, मतलब ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड्स है, इसकी जो स्पीड्स है वो समय के साथ कम हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जिसकी स्पीड कम हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? डैम्प ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी हुज एम्पलीट्यूड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम आर नोन एज डैम्प ऑसिलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव आर यूज इन इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, बिटवीन 20 Hz एंड 2000 Hz एंड नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव आर प्रोड्यूस आर यूज इन इकोकार्डियोग्राफी। तो जो आपकी इकोकार्डियोग्राफी होती है ना, उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रयोग करते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। ओके, तो इकोकार्डियोग्राफी के अगर आप कहते हैं ना जाओ इको करा लो भाई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इमेज ऑफ हार्ट बनाया जाता है, जो वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट को ये बनाता है। ये किस में बनाता है? तो आप समझ सकते हो अल्ट्रासोनिक साउंड के द्वारा। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस में उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा डियर। आप इस तरह के सेशन को कंटिन्यू देखते रहो। अब मैं अगली जो हमारी सीरीज चालू होगी ना, वो मीन्स कल से ही चालू होगी, वो हमारी जो सीरीज होगी वह आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की सीरीज होगी डियर। ओके, थैंक यू, विल वेट फॉर अनदर सपोर्ट। मैं आपके दूसरे सपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ डियर। आपने सपोर्ट किया, वेरी गुड्स। तो अगर आप BPSC, JPSC और JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करो हमारे ऑफिसर्स पॉइंट्स को। किस क्लासेस के लिए? तो साइंस की क्लासेस के लिए। ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी officerpointofficial@gmail.com या फिर ऑफिसर पॉइंट का बेल आइकन को पुट करके रखो, ऑन करके रखो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट फॉर पेड कोर्स 7004044326। फाइन।